हाय गाइस, आज मैं आपको बेरी टाउन का सफर दिखाने वाला हूँ, जो साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड से 230 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये बेरी टाउन और ये आज की सुबह की पहली किरण के सुंदर नज़ारे के साथ शुरू करते हैं बेरी टाउन का सफर। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मुरे रिवर यही बेरी टाउन से गुजरती है, जो मैं आज यही खूबसूरत नदी के किनारे से अद्भुत सनसेट दिखाने वाला हूँ और साथ में बेरी टाउन के सबसे पुरानी 150 साल पुरानी बेरी होटल है और कैफे है वो भी दिखाऊंगा। यही जो सामने कार है यही हमारा घर है और यही से लगभग 4 किलोमीटर पैदल जाकर बेरी टाउन को दिखाने जा रहा हूँ। यही से चलते आगे। यही रास्ते से जो सामने वाला रास्ता दिख रहा है, यही रास्ते से हम लोग रात के डिनर के बाद हर रोज पैदल चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। लगभग 1 किलोमीटर तक पैदल जाते हैं परिवार के साथ और कोल्स मार्केट तक पैदल चलते हैं हम लोग। कोल्स मार्केट में शॉपिंग करने के लिए भी यही रास्ते से जाते हैं हम लोग। सामने जो दिख रहा है टाफे लिखा है, ये जो इंडिया में आईटीआई होते हैं बिल्कुल उसी तरह ये टाफे है, जिसका मीनिंग है टेक्निकल एंड फर्दर एजुकेशन, जहां पर प्रोफेशनल कोर्सेज की ट्रेनिंग दी जाती है। और सामने जो है बेरी टाउन की स्कूल है और ये स्कूल की लाइब्रेरी है, काफी खूबसूरत लोकेशन पर ये स्कूल है। और आगे चलते हैं दोस्तों। ये जो सामने दिख रहे ये अल्दी शॉपिंग सेंटर है, एक स्टोर है बड़ा और जर्मन कंपनी है और पास में ही कोल्स है। दोनों बेरी टाउन के सबसे बड़े ग्रोसरी स्टोर है और काफ़ी चीज़ें यहाँ शॉपिंग सेंटर में से आप खरीद सकते हैं। हम भी 2 दिन में एक बार जरूर विजिट करते हैं यहाँ पर। चलते हैं आगे। यही जो सामने वाला रोड दिख रहा है उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड में कोल्स करके बड़ा ग्रोसरी स्टोर है और काफ़ी यहाँ चीज़ें मिल जाती है। काफ़ी बड़ा शॉपिंग सेंटर है, उसके बिल्कुल आगे बड़ा पार्किंग भी है और यहीं से एडिलेड जाने के लिए और एडिलेड से बेरी टाउन आने के लिए यहाँ पर स्टेट लाइनर की बसें जो चलती है उसका बस स्टैंड भी है, यानी पिकअप पॉइंट और ड्रॉप पॉइंट है यहाँ पर। चलते आगे, मैं और दिखाता हूँ आपको। और यही रोड से लगभग आधा किलोमीटर पैदल लगभग 10 मिनट जितना वक्त लगता है बेरी टाउन का जो बड़ा मार्केट है, जहां पर पोस्ट ऑफिस, बैंक्स और काफ़ी कॉमर्शियल ऑफिस है और रेस्टोरेंट है, कैफे है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहां पर जो आपको मैं बाद में दिखाऊंगा। अभी आप देख सकते हैं यहां का ब्यूटी पार्लर और काफ़ी प्रोफेशनल ऑफिस है। चलते हैं आगे। Thank you.
यही रोड से 10 मिनट जितना वक्त लगता है पैदल मुरे रिवर पर जाने के लिए। आगे पुलिस स्टेशन है, वहीं से भी जा सकते हैं आप, लेकिन मैं यहीं से लेफ्ट साइड से जा रहा हूँ और मैं मुरे रिवर का जो अद्भुत व्यू है वो दिखाने वाला हूँ। चलिए चलते हैं आगे। ये जो सामने देख रहे यहाँ का जिम है और आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये एरिया पूरा पहले रेसिडेंस था, अभी काफी कॉमर्शियल हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ काफी दुकानें, आपको ऑफिस, रेस्टोरेंट, काफी कुछ देखने को मिलेगा। और लेफ्ट साइड में यहाँ के जो पुराने घर है वो देख सकते हैं आप। मैं मुरे रिवर तक पहुंच चुका हूं और ये जो सामने है वो रेस्टोरेंट है मुरे रिवर की, काफी फेमस और लोकल लोगों की पसंदीदा जगह है ये। और ये साइड बेरी टाउन की सबसे पुरानी बेरी होटल है। सनसेट भी हो चुका है, मैं रिवर पर जाकर व्यू दिखाता हूं। बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है यहाँ पर। यही बेरी टाउन के काफी बच्चे यहाँ खेल रहे, आज संडे तो काफी बच्चे दिख रहे हैं। इसे मैं नीचे जाकर दिखाता हूँ। ये जो मुरे रिवर के सामने किनारे पर काफी कैरेवान है आप देख रहे, वो लोकल लोग अपनी कैरेवान लेकर यहाँ नदी पर आते हैं और यही नदी में बोटिंग, सर्फिंग के साथ साथ यहाँ की सनराइज और सनसेट का खूबसूरत नजारे का एंजॉय करते हैं ये लोग। और यही से सामने जो ब्रिज है वो लॉक्सटन टाउन जाने के लिए है और खूबसूरत नजारे के साथ यही बेरी टाउन और मुरे रिवर का सूर्यास्त देख सकते हैं आप। मैं आगे और व्यू दिखाता हूँ, चलते हैं आगे। संडे तो काफी बच्चे यहाँ मुरे रिवर का आनंद लेते हुए आप देख सकते हैं। ज्यादातर यहाँ बच्चे कम आते हैं संडे के अलावा। और ये जो सामने है रेस्टोरेंट, यहाँ पर आप बैठकर यही मुरे रिवर का आप एंजॉय कर सकते हैं और यहीं से पूरे मुरे रिवर का खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है यहाँ। Thank you.
सामने देख रहे हैं आप बेरी होटल के रूम्स है और काफी बड़ी प्रॉपर्टी है ये, और काफी टूरिस्ट यहाँ पर मुरी रिवर का आनंद लेने के लिए आते हैं और यहाँ पर एक या दो नाइट या काफी दिनों तक ये लोकल लोग रहते हैं यहाँ पर। पार्क में काफी कुछ एक्सरसाइज के इंस्ट्रूमेंट लगाए गए ताकि लोग यहाँ पर आकर एक्सरसाइज करके अपना फिटनेस बनाए रखे। यहाँ पर ये चीज काफी अच्छी है। और चलते आगे दोस्तों, सामने जो लोग मुरी रिवर में कहीं और टाउन से या फिर यहीं के लोकल लोग अपनी बोट या फिर सर्फिंग के लिए यही नदी में घूमते फिरते रहते है, वो लोकल लोग और टूरिस्ट और सामने किनारे वाले कैरेवान में जो रह रहे वो भी यही बेरी टाउन में जो होटल है रेस्टोरेंट है जहाँ से ये कॉफी कुछ नाश्ता या कुछ भी मार्केट में से खरीदने के लिए यहाँ पर आते हैं और अपनी बोट यहीं पर स्टैंड पर टांग देते हैं और यहीं से आने जाने के लिए ये वॉकवे बनाया गया है ताकि आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आप बैठकर खाना खा सकते हैं और यहाँ पर अपनी बोट नदी के अंदर ले जाने के लिए बोट रैंप बनाया गया है। और एक स्पेशल चीज मैं आपको बताता हूँ आगे, ये जो है बाइक और साइकिल के लिए है, इससे आप हवा भर सकते और ये पंप लगा के आप देख सकते और ये सब स्क्रू ड्राइवर डिसमिस ये सब पाना पकड़ है। अगर आपको अपनी साइकिल को भी लॉक लगाना है तो यहीं से लॉक लगा सकते और यही लॉक लगाने के बाद आप कहीं भी जा सकते हैं, ये अच्छी बात है। और दोस्तों मैं एक बात बता दूँ आपको, यहाँ पर इंडिया की तरह ए भाई मुझे हवा भरने के लिए पंप चाहिए आपके पास है ऐसा कोई नहीं मांगता, इसलिए आपको जरूरत पड़े तो यहीं से आपको हेल्प मिल जाती है। अदरवाइज आपको पैसे से हर सर्विस मिल जाती है लेकिन छोटे काम के लिए भी आपको काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं यहाँ पर, इसलिए काम की चीज़ है भाई। ये जो सामने देख रहे हैं वो भी एक्सरसाइज के लिए लगाया गया है, काफ़ी एक्सरसाइज के इंस्ट्रूमेंट है ये पार्क में। आप यहीं से मुरी रिवर का अद्भुत व्यू देख सकते हैं, आप कहीं से भी देखो मुरी रिवर का व्यू सच में शानदार ही देखने को मिलता है यहाँ पर। मैं आगे जाकर और मुरी रिवर का व्यू दिखाता हूँ, चलिए चलते हैं और आगे। अब तक 2 किलोमीटर जितना पैदल चल चुका हूँ मैं। यहाँ पर लोकल लोग साइकिल राइड भी करना बहुत पसंद करते है, आप देख सकते हैं साइकिल राइडर को। पर भी देख सकते हैं एक्सरसाइज के लिए काफी चीजें यहाँ पर लगाई है, ये पूरे पार्क में कहीं ना कहीं आपको एक्सरसाइज के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सच में रिवर के सामने एक्सरसाइज करना एक बड़ी बात है, काफी अच्छा लगता है। और ये जो है पुराने जमाने में पानी को टंकी में चढ़ाने के लिए यही वाटर पंप लगाया जाता था, बहुत सालों पुराना है ये, काफी बड़ा वाटर पंप है यहाँ। ये जो सामने है हॉलीडे पार्क है, मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अभी चलते हैं रिवर के नजदीक जहाँ से और खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है और यहाँ पर सनसेट के बाद काफी बर्ड्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। चलिए चलते हैं नीचे की ओर। यहाँ पर सांप भी है ऐसा यहाँ पर वार्निंग दी गई है, आपको चलते वक्त ध्यान रखना है और संभालना भी है, कभी कभी आपको देखने को भी मिल जाते हैं यहाँ पर। यहाँ का बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, मैं पास जाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर काफी बर्ड्स है और आप देख सकते हैं, आज मैं सनसेट के बाद आया हूँ, सनसेट के वक्त जो बर्ड्स का चिल्लाना और घोंघाट, सच कहूँ तो एक बार जरूर देखना चाहिए। मैं कल सनसेट के वक्त जो बर्ड्स का नजारा है वो जरूर नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर पेलिकन देख सकते है, जितना पास जाएंगे उतना दूर चला जाता है ये पेलिकन। मैं नजदीक जाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो उड़ जाएगा ये।
देखो उठ गया है दोस्तों और चलते आगे। जो बेरी टाउन के मुरी रिवर का जो अद्भुत सूर्यास्त के खूबसूरत नजारे को एक बार देखने के लिए आप जरूर बेरी टाउन की विजिट करनी चाहिए। मैं पूरे बेरी टाउन को दिखाने वाला हूँ। अभी अंधेरा हो चुका है और मेरे पीछे लड़कियों ने मुझे हेलो यूट्यूबर करके आवाज दी, आपने सुनी होगी, मुझे यूट्यूबर करके बुला रही है, उनका वीडियो बनाना है, तो चलते हैं वीडियो बनाने के लिए। यहाँ की बेरी टाउन की लोकल लड़कियाँ थी, अब दोनों लड़कियाँ मेरी चैनल की सब्सक्राइबर बन चुकी है। दोनों को मिलकर काफी अच्छा लगा और मैं अगले वीडियो में यहाँ का यानी बेरी टाउन के मुरी रिवर पर सूर्यास्त के दौरान जो पक्षियों की घोंघाट चर्पिंग यानी कलकल और बेरी का लुकआउट है जहाँ से बेरी टाउन का अद्भुत व्यू दिखता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय दोस्तों।